Okay, in this lecture we will study about the physical structure of the dipole antenna. तो यहाँ पे देखिए ये dipole antenna है, ये कुछ सिलेंडर टाइप का दिख रहा है और ये dipole antenna किससे कनेक्टेड है? ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो आप देखिए सिलेंडर का ऊपर जो दिख रहा है आपको पोर्शन, इसमें कुछ ना कुछ रेडियस होगी, बिल्कुल होगी। ये क्या है? लेंथ ऑफ द डाइपोल है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्या बताया था? वी ऑलवेज कंसीडर इफेक्टिव लेंथ को कंसीडर करते हैं एंड दैट इफेक्टिव लेंथ मस्ट बी इक्वल्स टू लैम्डा बाई टू। कौन सी लेंथ लैम्डा बाई टू होना चाहिए? इफेक्टिव लेंथ लैम्डा बाई टू होना चाहिए। मतलब फिजिकल लेंथ क्या होगी डाइपोल में? लैम्डा बाई टू से थोड़ा सा कम होगी। ये चीज़ हमने देखी। तो ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट किया एंड इट इज़ कनेक्टेड विद सोर्स। ट्रांसमिशन लाइन का क्या फंक्शन है? गाइड्स द एनर्जी अलोंग इट्स स्ट्रक्चर। तो देखिए इसमें क्या देखते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, ये आर डिस्टेंस प्लस ये एल डिस्टेंस प्लस ये आर डिस्टेंस, तीनों को ऐड करिए। ये जो टोटल लेंथ है, दिस टोटल लेंथ क्या लैम्डा बाई टू के बराबर है कि लैम्डा बाई टू से कम है? लैम्डा बाई टू से कम है। अच्छा, मान लीजिए लैम्डा बाई टू ले लेते तो डाइपोल का इनपुट इम्पीडेंस कैसा हो जाता? इंडक्टिव हो जाता। लेकिन लैम्डा बाई टू से कम लिया है तो इसका इम्पीडेंस कैसा हो जाएगा? प्योरली रजिस्टिव होगा। और मैं यही चाहता भी हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि डाइपोल का जो इफेक्टिव लेंथ है, यदि इफेक्टिव लेंथ लैम्डा बाई टू के बराबर है तो इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा? रियल होगा। यदि मान लीजिए आपने इसका फिजिकल लेंथ यदि लैम्डा बाई टू ले लिया तो इसका इनपुट इम्पीडेंस कैसा हो जाएगा? इंडक्टिव हो जाएगा। तो आपको इंडक्टिव हो जाएगा, आपको क्या चाहिए? कौन सा इम्पीडेंस चाहिए? रियल वाला चाहिए। तो यदि आपको रियल वाला चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है आपको फिजिकल लेंथ लैम्डा बाई टू से थोड़ा सा कम लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए क्या उसी बात का मैं यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। ये जो टोटल लेंथ है क्या ये लैम्डा बाई टू से कम होना चाहिए क्या? लैम्डा बाई टू मतलब कितना होता है? 0.5 लैम्डा। क्या ये 0.5 लैम्डा से कम है? हाँ है। आपको जब कभी भी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फॉर्मुलेशन जब हम करते हैं तो हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर को देखिए। किसको देखना है? आधे स्ट्रक्चर को देखना है। यहाँ से एक ऐसी वर्टिकल लाइन खींच दीजिए और ये जो वर्टिकल लाइन है इसके इस तरफ देखिए। तो ये डिस्टेंस कितनी? आर। ये डिस्टेंस कितनी है? एल। ये डिस्टेंस कितनी? आर। आर प्लस एल प्लस आर कितना होना चाहिए? 0.48 लैम्डा होना चाहिए। कि इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा? एल प्लस 2R इज इक्वल टू 0.48 लैम्डा। 2R का मतलब क्या होता है? डायमीटर होता है। तो डायमीटर रख दीजिए यहाँ पे, d मतलब डायमीटर इज इक्वल टू 0.48 लैम्डा। c इज इक्वल टू क्या होता है? फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाए? c ओवर फ्रिक्वेंसी। तो c लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए c ओवर फ्रिक्वेंसी। तो क्या फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ऐसी आ जाएगी? 0.48 c एल प्लस डी। तो इसे कहते हैं फ्रिक्वेंसी। कौन सी फ्रिक्वेंसी बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। किसकी बोलते हैं? डाइपोल की। डाइपोल में हमेशा हम इफेक्टिव लेंथ कितना लेते हैं? लैम्डा बाई टू लेते हैं। फिजिकल लेंथ लैम्डा बाई टू से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो दिस इज़ कॉल्ड रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फॉर्मुलेशन ऑफ द डाइपोल एंटीना। तो इसके लिए एक ख़ास बात और भी है कि इस डाइपोल में ये जो रेडियस है वो लेस देन लैम्डा बाई टू होना चाहिए, लैम्डा बाई 10 होना चाहिए, छोटा रेडियस होना चाहिए। या मतलब मैं क्या चाहता हूँ, इस तरफ से, इस लूप से किसी भी तरीके का रेडिएशन ना हो, किसी भी तरीके का लूप में किसी भी तरीके का रेजोनेंस टाइप की कंडीशन ना अचीव हो। मैं चाहता हूँ रेजोनेंस इसके अलोंग हो, ना कि इन लूप कहलाऊं। तो इस रेडियस की वैल्यू कम से कम रखने की कोशिश करना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डाइपोल एंड इन दिस वे वी कैन डू द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फॉर्मुलेशन ऑफ द डाइपोल एंटीना। ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू सी ओनली हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर R plus L plus R, that distance must be, that length must be less than lambda by 2, less than lambda by 2, your effective length should be lambda by 2, okay. So in this way we can calculate the resonance frequency of the dipole antenna. So far we have seen ki what are the things that are related with dipole antenna. The dipole antenna is nothing but it's a modified version of the open circuited transmission line. Even we see this dipole antenna was formed from the balanced transmission line. So that's why this dipole antenna is nothing but it's a balanced structure. In the along the length of the dipole, recall that there was V min I max. Standing wave pattern is formed along the structure of the dipole. That's why an antenna which exhibit the standing wave pattern, that antenna is known as resonant antenna. Second thing I also told to you, this antenna is made from the open circuited transmission line, means we are making this antenna with the help of wire. That's why I am saying it is linear wire antenna. Recall that length of the antenna, this dipole antenna, we decided the length of this dipole antenna with the help of current distribution. Recall that 1/2 of the wavelength means its length will be lambda by 2, quarter wavelength that is lambda by 4, and also recall that if 2/2 wavelength variation means its length will be lambda. So length of the dipole antenna we decide with the help of current distribution. We also saw that ki its feeding point should be odd multiple of lambda by 4. बिल्कुल टॉप पे फीड नहीं करते, इम्पीडेंस इनफाइनाइट होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र नहीं होगी. अनदर थिंग यू सॉ दैट कि मैं इस फार्मूला को फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहा था. एक्चुअली it tells me about the reflection is nothing but it's a measure of, I should say, impedance. यदि impedance ज़्यादा match कर रहा है तो reflection कम होगा, यदि reflection कम होगा तो transmission ज़्यादा होगा. maximum power transfer theorem साथ देखिए. what was the maximum power transfer theorem, कि जो सोर्स का इम्पीडेंस है वो लोड के इम्पीडेंस के क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए. इवन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ वी क्लासीफाई दिस डाइपोल एंटीना. लेंथ इज लेस देन लैम्डा बाई 50, देन वी से इट्स अ हर्ट्जियन डाइपोल. इन द केस ऑफ हर्ट्जियन डाइपोल, रिकॉल दैट द करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाज यूनिफॉर्म. Actually this dipole, Hertzian dipole, is the example of resonant antenna because the standing wave is formed along its structure. If length lies between these two values, then we say it's a small dipole antenna. And the most important thing is that input impedance of the dipole antenna is 73 ohm when कब जब इफेक्टिव लेंथ क्या हो, इफेक्टिव लेंथ लैम्डा बाई 2 हो. यदि आपने फिजिकल लेंथ लैम्डा बाई 2 ले लिया तो इफेक्टिव लेंथ लैम्डा बाई 2 से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो वो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, इट विल बिकम इंडक्टिव. सो दीज आर द थिंग्स विच आर रिलेटेड विद द डाइपोल एंटीना, that things we have studied so far. In next lecture we will see the S11 characteristic of the dipole antenna. Remember that हमेशा ये याद रखना है कि this radius should be less than lambda by 50, lambda by 10. क्योंकि इस पोर्शन से मुझे किसी भी तरीके का रेजोनेंस नहीं चाहिए. प्लीज़ रिमेंबर इट. और जब हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फॉर्मुलेशन करते हैं तो हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर को देखते हैं. और दूसरी बात क्या रखना है याद, कि लेंथ मस्ट बी, फिजिकल लेंथ मस्ट बी लेस देन लैम्डा बाई 2. सो इस लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम S11 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डाइपोल देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.